एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग रास्ता बनाकर आगे निकलने लगते हैं और वो जगह उन्हें पहले से अलग लग रहा होता है और वो जगह उन्हें किसी लैब की तरह दिखाई दे रही होती है। तभी शॉविन की नज़र एक कमरे में चली जाती है जहाँ पर काफ़ी सारे अंडेड हाइबरनेशन में होते हैं। उतना सारा अंडेड को देखकर शॉविन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इतना सारा बनाकर कोई करना क्या चाहेगा। तभी ची को एक बहुत ही अजीब दरवाजा दिखता है और वो अपने आप ही खुल गया होता है और उसके अंदर वही एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में दान बात कर रही थी। उसे देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कब आखिर ये क्या है। सिस्टम उसे बताता है कि वो अनडिफाइंड स्पीसीज है जिसे कि काफ़ी सारे स्पिरिचुअल बेस्ट के फ्यूजन से बनाया गया है और वो रबर मंकी पर बेस्ड है और उसमें काफ़ी सारे टैलेंट को डाल दिया गया है। उसके पास 5 A rank का टैलेंट होता है और वो अभी और ज़्यादा टैलेंट को एक्वायर कर सकता है। वो सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये स्पिरिचुअल बेस्ट किस तरह के हालत से गुजरा होगा। तभी वहाँ पर अजमुद्दीन ताली बजाते हुए उनका वेलकम करते हुए आते हुए कहती है कि तुम दोनों यहाँ तक पहुँच गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम लोग मैच टेस्ट को पास कर लिए हो और अब ये पता करने का वक्त आ गया कि किसके पास प्योर यांग बॉडी है जो कि मुझे चाहिए। बिना मुंह खोले बातें करते देख कर ची को काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लग रहा होता है। शॉविन कहते हैं कि अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये प्योर यांग बॉडी क्या है। तभी वो कहते हैं कि तुम दोनों में से जो भी प्योर यांग बॉडी हो अब मेरे एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मजा कर लो। ये बोलकर वो अपने एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट को ग्लास से बाहर निकाल देती है जिससे वो काफ़ी फास्ट स्पीड में शॉविन की तरफ बढ़ता है। उतना तेज स्पीड देखकर शॉविन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है और काफ़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉच करके अपने वेल से उस पर हमला करवा देता है, लेकिन पूरी तरह से चोट लगने से पहले वो जल्दी से पीछे हो जाता है। तभी उसे देखकर शॉविन को लगता है जैसे कि वो क्रिएचर काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, लेकिन उसके बारे में वो अभी चिंता ना करके उस पर अपने वेल से हमला करवा देता है जिससे उसे लग जाती है। ये देखकर शॉविन सोचता है वो तो काफ़ी ज़्यादा आसान था, लेकिन वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है कि वो अपने हाथ को शील्ड में बदलकर खुद को बचा लिया होता है। और तभी कुछ देर के बाद वो अपना शील्ड को दोबारा से हाथ में बदल लेता है और पंच करने आगे बढ़ता है। ये देखकर ची भी उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैं भी यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए नहीं आई हूँ। उससे ज़्यादा देखकर शॉविन उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है क्योंकि वो दोनों पंच कर देते हैं और वो क्रिएचर ची का शेप लेना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर शॉविन जल्दी से अपने वेल से हमला करवाकर ची को उससे अलग करवा देता है और उससे कहता है कि तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा इंपल्सिव है। वो कहती है कि मुझे उसके टैलेंट के बारे में पता नहीं था इसलिए ऐसा हो गया। शॉविन उस क्रिएचर के हिस्सा को ची पर से हटाता है और देखता है तो पता चलता है कि उसका कुछ पार्ट अभी भी जिंदा है। तभी उससे देखकर शॉविन सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो जरूर काफी ज्यादा दर्दनाक दर्द को फील कर रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो मुझे वो वाला मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब जबकि उसे पावर से हराने का कोई रास्ता नहीं है तो उससे बात करना पड़ेगा और उसके पास जाते हुए कहता है कि यहाँ पर से जो कुछ भी होगा उसमें टांग मत अड़ाना और वो अपने वेल को भी यही करने के लिए बोलता है। ये बोलकर वो खुद पर से रिस्ट्रिक्शन को हटवाकर अपना फिजिकल पावर को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और प्रिसाइज ब्लॉक स्किल का यूज करके अपने पावर को कंडेंस करके उसके सभी अटैक को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर अजमुद्दीन सोचते हैं कि वो अपना फॉर्म को ऑफेंस से डिफेंस में क्यों बदल लिया है, कितना बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। वो बंदा तो प्योर यांग बॉडी लग नहीं रहा है क्योंकि उसका सोर्स पावर तो वाटर है, लेकिन अंडेड ने उसे प्योर यांग बॉडी की जैसे पहचाना क्यों था। और हालांकि उस लड़की का सोर्स पावर फायर है लेकिन वो भी नहीं है, तो क्या पिछला डाटा गलत तो नहीं था ना। वहीं पर शॉविन को दिखाते हैं जो कि उसके अटैक को सिर्फ डिफेंड ही कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जैसा कि मैं सोचा था उसका अटैक मेथड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। और जैसे वो उस पर दोबारा से हमला करने जाता है शॉविन मौके का फ़ायदा उठाकर उसका सर पकड़ लेता है और होमोलॉजी नाम के स्किल का यूज करके उसके कॉन्शियसनेस के अंदर में एंटर कर जाता है जहाँ पर उसके सामने क्रिएचर होता है जिसका हालत बहुत ही बुरा होता है और वह टंगा होता है। ये देखकर शॉविन पूछता है कि वो क्या है। सिस्टम बताता है कि वो रबर मंकी का एक सब स्पीसीज है जिसका एट्रीब्यूट को सनडाउनर में चेंज कर दिया गया है और उसका कंपैटिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसके कॉन्शियसनेस को जबरदस्ती फिरोसिस बीस्ट के कोर में डाल दिया गया है जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। ये सब जानकर वो उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें कोई चोटें नहीं पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए हमें फाइट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे साथ एक पैक्ट बनाओ, मैं तुम्हारा दर्द को शेयर करने में हेल्प करूंगा। ये सुनकर वो करने के लिए वो मंकी तैयार हो जाता है। तभी शॉविन अपने रैम्पेज मोड को डीएक्टिवेट कर देता है। वहीं पर ये देखकर अजमुद्दीन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है कि आखिर वो अटैक क्यों नहीं कर रहा है, अगर वो कर क्या दिया उसके साथ। वहीं पर नीचे शॉविन को दिखाते हैं जो कि सेरेमनी को पूरा करने के बाद उसके साथ पैक्ट बना लिया होता है जिससे वो मंकी आजाद हो जाता है। ये देखकर शॉविन पूछता है तो तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है, मेरा नाम बाई शॉविन है, तुम्हारा नाम क्या है। और तभी उस मंकी का अपर लेयर फट जाता है। ये देखकर शॉविन खुश हो जाता है तो बाकी के लोग काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। वहीं पर वो मंकी अपना असली रूप में आ गया होता है। ये देखकर दान कहती है अब जबकि हालत यहाँ तक पहुँच गया है तो उस फील्ड एक्सपेरिमेंट को खत्म करने का वक्त आ गया है। शॉविन कहता है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें वो करने दूंगा।
दूंगा। तभी अजमोदान का बिष्ट उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो देखकर वो मंकी अपने हाथ को बदल कर उसके अटैक को रोक देता है। ये देखकर शॉबिन अपने वेल को हेल्प करने के लिए भेजने के लिए कहता है, लेकिन वो मंकी उसे रोकते हुए कहता नहीं, ये मेरा बैटल है। ओरिजिनली हम रबर मंकी बनाना फॉरेस्ट में रहते थे, लेकिन ये लड़की सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मेरे पूरे क्लान को पकड़ ली थी और मेरा क्लान का काफी सारे लोग इसका विक्टिम बन गए हैं। और अब जबकि मेरे पास पावर आ गया है तो मैं पर्सनली अपने लोगों का बदला लूंगा। ये बोलकर वो काफी जोरदार हमला करके उसके बिस्ट को फेंक देता है और अजमोदान की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अपने तरफ आता देखकर वो कहती है कि अब तुम मुझे कमजोर मत समझ लेना, क्योंकि मैं स्पाइडर क्वीन क्लान के ऑनरेबल फिफ्थ प्रिस्ट हूँ। ये बोलकर वो वहाँ पर काफी सारे मात्रा में अंडेड को बुला देती है, जो लोग आकर उन सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वो मंकी सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर शॉबिन उससे कहते हैं कि तुम सभी लोगों को मार नहीं सकते हो। ये बोलकर वो चीज से पूछते हैं कि क्या तुम वो वाला मूव दोबारा से यूज नहीं कर सकती हो क्या। वो कहते हैं कि ये लोग काफी सारे हैं और मेरा स्पिरिचुअल पावर इनफ नहीं है। ये सुनकर वो सोचते हैं कि जबकि चीज सबको क्लियर नहीं कर सकती है तो मुझे कुछ सिमिलर ही ट्राई करना पड़ेगा। ये सोचकर वो रैम्पेज मोड दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है और अपने वेल को वही वाले स्किल का यूज करने के लिए बोलता है, जिससे उनके सर पर वो सभी सील लग जाता है और शॉबिन सभी को एक ही बार में ब्लास्ट कर देता है। अपने सभी अंडेड को एक साथ मरते हुए देखकर अजमोदान काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है कि ये उसने क्या देख लिया। और तभी वो मंकी अजमोदान पर पीछे से हमला करने के लिए आता है, लेकिन उसका बिस्ट आकर उसे बचा लेता है। ये देखकर वो मंकी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि ये वापस कब आ गया, और उसका संभलने से पहले वो उस मंकी पर हमला कर देता है, लेकिन जल्द ही उसका वेल जाकर उसे पकड़ लेता है। वहीं पर ये देखकर अजमोदान कहती है कि अगर मैं सच बोलूं तो मैं सच में तुम्हारी एबिलिटी को एडमायर करती हूं, लेकिन फील्ड टेस्ट को तो डिस्ट्रॉय होना ही पड़ेगा, इसलिए अब असली डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम शुरू होता है। ये बोलकर वो वहां पर भूकंप ला देती है। वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहां पर उसके हेल्प पहुंच गया होता है, और वो लोग ये सब देखकर थोड़े से चौंक गए होते हैं कि वो सभी के सभी जगह तबाह हो रहा है। तभी वहां पर शॉबिन लोगों को दिखाते हैं जो लोग सही सलामत बाहर निकल जाते हैं, और तभी वहां पर वो लोग कार से बाहर निकलते हैं और क्याओ जल्दी से जाकर उसे हक कर लेती है और रोते हुए कहने लगी होती है कि अच्छा बाबू तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम। उसका बात पूरा करने से पहले शॉबिन उससे कहता है कि तुम मुझे इतना टाइट हक कर लिए कि मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा है। ये सुनकर वो शर्मा जाती है और जल्दी से उसे दूर हो जाती है। वहीं पर ची और स्कारलेट एक दूसरे को देखकर बहस करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर अल्ब्रे कहते हैं कि फैमिली झगड़ा बाद में करना, पहले इस बड़े प्रॉब्लम से निपटो। तभी दिखाते हैं कि वहां पर हजारों का तादाद में वही अंडेड आ गए होते हैं। उन्हें देखकर शॉबिन सिस्टम से पूछते हैं कि क्या उन्हें खत्म करने के लिए मेरे पास इनफ पावर है क्या। सिस्टम बताता है नहीं, लेकिन इन अंडेड के पास रीजनरेट करने का एबिलिटी नहीं है। तभी वहां पर स्कारलेट का बाकी का टीममेट हेलीकॉप्टर से आकर उन लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें देखकर अजमोदान कहते हैं लगता है कि और गार्बेज से डील करना पड़ेगा। ये बोलकर वो चिंग चियान को एक्शन लेने के लिए कहती है। ये सुनकर वहां पर एक बहुत ही बड़ा हाथ उसके हेलीकॉप्टर को डैमेज कर देता है, जिससे वो लोग गिरने लगते हैं। ये देखकर स्कारलेट पूछते हैं कि यहां पर आखिर हो क्या रहा है। तभी अजमोदान कहते हैं कि अब मुझे चिंग चियान का असली पावर दिखाने दो। वहीं पर चिंग चियान को दिखाते हैं जिसका साइज पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया होता है। उसके बारे में सिस्टम बताते हैं कि वो एक ह्यूमनॉइड रेस का है और वो बिस्ट बीमार ह्यूमन को रिफाइन करके बनाया गया है, और उसे मारना लगभग नामुमकिन है क्योंकि तुम उससे नहीं मार सकते हो जो कि पहले से मरा हुआ है। वहीं पर उन लोगों को दिखाते हैं जहां पर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया होता है, लेकिन वो सभी लोग बच गए होते हैं। ये देखकर शॉबिन स्कारलेट से कहते हैं कि जाकर अपने टीममेट को कंडीशन को चेक करो, मैं जाकर उस बड़े मॉन्स्टर से निपटता हूं। लेकिन तभी एल्ब्रे काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है कि इस बार ये कुछ ऐसा वैसा नहीं है जिसे तुम अकेले हैंडल कर लोगे, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो। उसे सीरियस देखकर शॉबिन एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक गया होता है कि ये तो सीरियस हो गया, ये तो काफी ज्यादा रेयर है। वहीं पर वो सब बताते हैं कि अभी तक तुम जितने भी लोगों से फाइट किए थे वो सभी लोग गोल्ड लेवल का था, लेकिन डायमंड लेवल का कोई जोक नहीं है। स्पेशली अजमोदान, वो अपने अजमोदान सिबलिंग में से एक है जिसका नाम साइली अजमोदान है। उसके सिबलिंग में से उसका बड़ा भाई सन कल्ट का सबसे ताकतवर वॉरियर था और छोटी बहन उसके पास काफी तेज दिमाग है। जब उसका बड़ा भाई बैटल में मारा गया था तब वो फॉरबिडन टेक्निक का यूज करके उसे रिफाइन करके उसे वो बना दी है जो कि वो अभी है, और सिंग चैन उसका भाई ही है। तभी सिंग चैन उस पर हमला कर देता है, लेकिन एल्ब्रे अपने डिवाइन शील्ड का यूज करके दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है। उस शील्ड को देखकर दान थोड़ी सी चौंक जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये वही है। ये देखकर वो सोचते हैं कि चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वहीं पर एल्ब्रे मैनिफेस्टेशन नाम के स्किल के यूज करके अपने स्पिरिचुअल पावर से एक बहुत ही बड़ा हाथ को बनाकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके अटैक को डोज करने में सफल हो जाती है। वो स्किल देखकर शॉबिन एक पल के लिए थोड़ा सा चौंक जाता है और उसके बारे में पता करता है, तो उसे पता चलता है कि वो गोल्डन लेवल का एक्सक्लूसिव स्किल है जो कि टेम्परली स्पिरिट बिस्ट के किसी पार्ट को मटेरियलाइज कर देता है जो कि सिंक्रोनाइजेशन स्किल से आया है। अगर मैनिफेस्टेड पार्ट को चोट भी लग जाएगा फिर भी स्पिरिट बिस्ट को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो बिस्ट मास्टर के स्पिरिचुअल एनर्जी पर थोड़ा सा बर्डन डाल देगा। वो सब देखकर शॉबिन सोचता है क्या मैं भी उस स्किल को यूज कर पाऊंगा। वहीं पर ये देखकर अजमोदान कहती है कि लगता है कि मुझे सीरियस होना पड़ेगा। ये बोलकर वो चिंगचियान को वेपनाइजेशन नाम के स्किल का यूज करने के लिए बोलती है, जिससे चिंगचियान अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके एक वेपन बना लेता है और वो उससे उस पर हमला करने जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर।
करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।